आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चतुर्भुज की रचना पर आधारित उदाहरण देखेंगे। क्या आप एक सम चतुर्भुज बी ई एन डी की रचना कर सकते हैं, जिसमें विकर्ण बी एन बराबर 5.2 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 6.4 सेंटीमीटर हो। एक कच्ची आकृति का निर्माण करें। तो आइए सबसे पहले एक कच्ची आकृति का निर्माण करते हैं, जिसमें बी एन बराबर 5.2 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 6.4 सेंटीमीटर है। आप रेखाखंड बनाने के लिए दिए गए दो मापों में से किसी भी एक माप का चयन कर सकते हैं। इसके बाद एक रेखाखंड बी एन बराबर 5.2 सेंटीमीटर बनाएं। चूंकि हम सम चतुर्भुज की विशेषता से जानते हैं कि एक सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण हमेशा एक दूसरे पर लंब सम द्विभाजक होते हैं, इसलिए अब हम बी एन को आधार मानकर उस पर एक लंब सम द्विभाजक बनाएंगे। जो कि बी एन को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेगा। चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ओ को केंद्र मानकर डी ई के आधे के बराबर यानी 3.2 सेंटीमीटर माप की त्रिज्या लेकर बी एन पर बने लंब समद्विभाजक के दोनों ओर हम चाप खींचते हैं, जो कि उसे बिंदु ई तथा डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार हमें विकर्ण डी ई बराबर 6.4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। बिंदु बी ई, बिंदु ई एन, बिंदु एन डी, बिंदु डी बी को जोड़ें। बी ई एन डी एक अभीष्ट सम चतुर्भुज है। आप स्केल और चांदे की सहायता से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आप देखेंगे कि चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की हैं। आज हमने उदाहरण की मदद से एक चतुर्भुज की रचना समझी।